हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फेस्टिवल्स का सीज़न है और आज हम बनाएंगे रक्षाबंधन के लिए स्पेशल सूजी की रसमलाई। छेने की रसमलाई तो सबने बहुत खाई होगी, लेकिन आज हम बनाने वाले हैं स्पेशल सूजी की रसमलाई जो बंगाल में बनाई जाती है। इसे सूजी की रसबरी भी कहते हैं। रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट और इंटरेस्टिंग है और टेस्ट में तो इसका कोई जवाब ही नहीं। बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही कम समय में और कम मेहनत में बन जाती है। इसे एक बार ट्राई ज़रूर करें, यू विल श्योरली फॉल इन लव विद इट। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बनाना सूजी की रसमलाई। दोस्तों, सूजी की रसमलाई बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई को गैस पर रखेंगे। कढ़ाई थिक बॉटम होनी चाहिए और इसमें हम डालेंगे 1 लीटर दूध। मैंने यहाँ प्लेन दूध यूज़ किया है, पैकेट वाला। और अब हम गैस ऑन कर देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर हम बॉईल होने देंगे। बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे ताकि जो दूध है हमारा वो बर्तन के तले में ना चिपके। दूध हमारा गर्म हो रहा है तब तक हम सूजी का बैटर बना लेते हैं। इसके लिए एक मिक्सिंग बाउल में लेंगे 1 कप सूजी, ये करीब 150 ग्राम सूजी है। इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर और कुछ धागे हम डालेंगे केसर के। और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बैटर बनाएंगे। पहले हम मैंने 1/2 कप पानी डाला, इसमें और थोड़ा सा पानी डालते हैं। ये देखिए, इस तरह से हम गाढ़ा बैटर बनाएंगे सूजी का। इतना बैटर बनाने में मुझे 3/4 कप पानी लगा है। ये देखिए, जो मैंने 1/2 कप पानी लिया था बाद में, उसमें से 1/4 कप बच गया है। अब हम इस बैटर को 15 से 20 मिनट के लिए हम साइड में रख देंगे ताकि हमारा सूजी जो है फूल कर सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए, दूध में हमारा उबाल आ चुका है। अब हम इसे बीच बीच में चलाते हुए इसे गाढ़ा करेंगे और जो साइड में दूध हमारा जम रहा है, जो मलाई जम रही है, उसे हम रज कर निकालते रहेंगे बीच बीच में। इससे क्या होगा, हमारा जो दूध है वो मलाईदार बनेगा। इसमें हम साथ ही डाल देंगे कुछ धागे केसर के ताकि दूध का कलर बहुत अच्छा आ जाए, और इसे मिला लेंगे। मीडियम फ्लेम पर हम इसे कुक करेंगे। इसी तरह दूध को हमें गाढ़ा करना है। इसे गाढ़ा करने में हमें करीब 15 से 20 मिनट लगेंगे। ये देखिए, दूध हमारा थोड़ा गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे कटे हुए काजू और कटे हुए आलमंड। आप चाहें तो अपनी पसंद के और भी कोई ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिला लेंगे। दूध को हमें करीब 1/2 होने तक हमें कुक करना है। ये देखिए, दूध हमारा 1/2 हो चुका है वॉल्यूम में। अब हम डालेंगे इसमें 1/2 कप चीनी और 1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर, और इसे अच्छे से मिला लेंगे। हमारा जो दूध है ये गाढ़ा हो चुका है और काफी मलाईदार बना है। इसमें जब हम सूजी के बॉल्स को सोक करेंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। ये देखिए, मैंने शुरू में 1 लीटर दूध लिया था जो कि गाढ़ा होकर करीब 1/2 लीटर दूध बन गया है, और दूध बिल्कुल गाढ़ा हो गया है और कलर भी दूध का बहुत अच्छा आ गया है। आप देख सकते हैं दूध काफ़ी मलाईदार है। अब हम इसे ढक देंगे और इसे हम साइड में रख देंगे, गैस बंद कर देंगे। अब हम देख लेते हैं अपना सूजी का बैटर। ये देखिए, हमारा सूजी का बैटर फूल कर अच्छी तरह रेडी हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे 2/4 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मिलाते ही बैटर जो है वो एकदम फ्लफी हो जाएगा। अब हम सूजी का जो बैटर है उसके बॉल्स बनाएंगे। इसके लिए मैंने तेल गरम कर लिया है, आप कोई भी रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं। और छोटा सा टुकड़ा हम डालकर देखेंगे कि हमारा तेल गरम हुआ है या नहीं। तेल हमारा गरम हो चुका है। अब हम ये सूजी का बैटर है उसे स्पून से या हाथों की मदद से इस तरह से छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे और उसे तेल में डाल देंगे धीरे से।
आप चाहें तो स्पून से भी बैटर डाल सकते हैं ऑयल में। अब हम इन सूजी के बॉल्स को मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। ये देखिए सूजी के बॉल्स फ्राई होके तुरंत ऊपर आ जाते हैं तेल के ऊपर। सूजी के बॉल्स बिल्कुल लाइट हैं, फ्लफी हैं, ये देखिए तुरंत तेल के ऊपर सतह पर आ जाते हैं फूलकर। ये देखिए सूजी के बॉल्स हमारे रेडी हैं, गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारे सूजी के बॉल्स को फ्राई करके रेडी कर लेंगे। ये देखिए मैंने सारे सूजी के बॉल्स फ्राई करके रेडी कर लिया है। बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी सूजी के बॉल्स बनकर रेडी हुए हैं, आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो गरम दूध हमने रेडी करके रखा था गाढ़ा करके, अब हम सूजी के बॉल्स को दूध में डाल देंगे। अगर आपका दूध ठंडा हो गया है तो आप उसे फिर से एक बार बॉईल कर लीजिए। और हमें गर्म दूध में इन सूजी के बॉल्स को डालना है ताकि ये अच्छे से सोख हो जाए दूध में। अगर दूध ठंडा होगा तो ये सूजी के बॉल्स दूध को सोख नहीं कर पाएंगे। हम इन्हें गर्म दूध में डालेंगे और इसे हम ढक कर ठंडा होने तक के लिए साइड में रख देंगे। सूजी के बॉल्स धीरे धीरे दूध को अपने अंदर सोख कर लेंगे। ये देखिए ये हमारी रसमलाई थोड़ी ठंडी हो चुकी है, दूध हमारा और भी गाढ़ा हो गया है और जो सूजी के बॉल्स हैं उसने दूध को अच्छे से सोख कर लिया है। अब हम इसे एक बाउल में सर्व कर देते हैं। ये देखिए बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट सूजी की रसमलाई बनकर रेडी हुई है, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। इसे आप गार्निश कर दीजिए कटे हुए आलमंड्स और कटे हुए पिस्ता से। ये देखने में जितनी सुंदर है खाने में उससे भी कहीं ज़्यादा टेस्टी है। तो है ना ये बहुत ही आसान सी रेसिपी, तो इसे ज़रूर ट्राई करें एक बार। और आई होप मेरी ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं मेरी ऐसी ही एक आसान सी रेसिपी के साथ मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।